मधुबनी जिले के जयनगर दरभंगा NH 527 बी पर टीबी कॉलेज के नजदीक एक चार पहिया वाहन की ठोकर से महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। महिला के सिर पर काफी गंभीर चोट लगी है। महिला जयनगर से अपने घर मेघबाड़ी जाने के लिए टेम्पो के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी। उसी क्रम में दुल्ली पट्टी से आ रही चार पहिया वाहन ने महिला को ठोकर मार दिया। जब तक लोग समझ पाते तब तक ठोकर मारने वाला चार पहिया वाहन वहां से फरार हो गया। जख्मी महिला को वहां मौजूद लोग टेम्पो में इलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल जयनगर में भर्ती करवाए। जख्मी महिला को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया। जख्मी महिला की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के मेघबाड़ी निवासी ललित यादव की 45 वर्षीय पत्नी अनिता देवी के रूप में की गई है। बिहार न्यूज़ के लिए मधुबनी से नवीन नायक की रिपोर्ट। आज जो डीवी कॉलेज के पास घटना हुई है, कैसे हुई? हम सब ठार छे ऑटो से उतर पास बस साइड में ठार छे गाड़ी वाला एल ठोक दिल के भाग गए आदमी पीछा भी ले। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? जयनगर ब्लॉक से। आपका घर कहाँ हुआ? मेघबाड़ी। तो वो लोग कैसे ठोक दिया? बैक साइड में मतलब ठोक दिल के हमारा जैन पर ठोक दिल के अल्टर गाड़ी चल क्या नाम है आपका? जो पेशेंट अभी अनुमंडल हॉस्पिटल में भर्ती है इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई धक्का मार के चार चक्का गाड़ी धक्का मार के चला गया है। हेड इंजुरी है, माथे में चोट है और उसको रेफर कर रहे हैं। पेशेंट अभी होश में है लेकिन आगे उसके अंदरूनी प्रॉब्लम का अंदाजा लग रहा है, अंदरूनी कुछ ब्लीडिंग हुआ हो, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए रेफर कर रहे हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज।